हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है पावर ऑफ कॉन्सेप्ट में। तो आज का टॉपिक ये है कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ने से क्या होता है। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के एक दिन सोचते हैं कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ लूँगा तो हो जाएगा मेरा। अब मैं यहाँ पे खुद की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एग्ज़ाम के एक दिन पहले मुझे लिटरली सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती थी। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि इतने मैसेजेस, इतने फ़ोन्स, इतने बच्चे आके मिलते थे कि अरे यार भाई मुझे IMP दे दे, मुझे क्वेश्चन बता दे कि कल एग्ज़ाम में क्या आने वाला है। दुख तो इस बात का है कि ऐसे बच्चे आगे जाके क्या करेंगे। अगर तुम BMS कर रहे हो तो यार अच्छे से करो ना। BMS क्या कोई भी कोर्स कर रहे हो तो उसको अच्छे से करो, नहीं तो बाद में जाके यही स्टूडेंट्स ब्लेम करते हैं डिग्री को कि अरे यार ये डिग्री अच्छा नहीं था। एक रात पहले पढ़ के किसी ने कुछ नहीं किया है, किसी को कुछ नॉलेज नहीं मिलता है, तो यार अगर पढ़ना ही है तो स्टार्टिंग से पढ़ो। एग्ज़ाम के एक दिन पहले क्यों पढ़ रहे हो? अगर एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही पढ़ना है तो इससे अच्छा मत ही पढ़ो। इधर और में जियो, या तो पढ़ो अच्छे से या तो मत ही पढ़ो। क्योंकि ऐसा करके आप खुद का तो नुकसान कर रहे हो, कॉलेज का नुकसान कर रहे हो, पेरेंट्स का नुकसान कर रहे हो, सबका नुकसान ही कर रहे हो एक दिन पहले पढ़ के। और यार एक ये चीज़ इतनी फैशनेबल हो गई है कि स्टूडेंट्स आजकल बोलते हैं कि भाई मैं एक दिन पहले पढ़ लूँगा, एक दिन पहले पढ़ने से सब हो जाता है, स्टाइल से बोलते हैं वो लोग ऐसा। बट वो इतने ना समझ है कि उनको ये नहीं समझ रहा है कि इससे उनका खुद का ही नुकसान हो रहा है ना। उनको कुछ किसी चीज़ की नॉलेज मिल रही है, मेन बात तो सब्जेक्ट नॉलेज जो एक चाहिए होती है एक BMS स्टूडेंट को, सबसे अच्छी चीज़ होती है सब्जेक्ट नॉलेज। उसको सब्जेक्ट नॉलेज ही नहीं मिल रही है तो वो क्या आगे करेगा। तो ये वीडियो थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन एक दिन पहले पढ़ने वाली आदत आपको छुड़ानी ही होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर सच में पसंद आया तो कमेंट में यस लिखो। मुझे भी अच्छा लगा कि चलो यार किसी ने तो समझा मेरी बात। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।